नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त पीके निर्वाण। आज छुट्टी का दिन था और मेम साहब ने फरमाइश की कि रोज मैं बनाती हूँ, आज का नाश्ता आप बनाएंगे। अब मैंने सोचा यार क्या बनाऊं। एक्चुअली में इसे ना सैंडविच बहुत पसंद है। कोई भी दो स्लाइस लीजिए, ब्रेड के लीजिए, रोटी के लीजिए, पनीर के लीजिए, या किसी और तरह के कोई भी इस तरह की आप दो परते बनाइए, उनके बीच में फिलिंग कीजिए, उसे सेकिए, बेशक टोस्टर में सेकिए या फिर आप फ्राई पैन में सेकिए या तवे पर सेकिए, और उसके बाद जो वो चीज बनती है उसे सैंडविच कहते हैं। ऐसा मैंने सर्च किया। अब दोस्तों, सैंडविच बनता कितनी तरह से है। हर जगह पर सैंडविच अलग अलग ढंग से बनाए जाते हैं। मोस्ट पॉपुलर जो तरीका है वो वही है, क्या? आलू के साथ। आलू के साथ जो है सैंडविच सबसे ज्यादा खाया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन आलू से अलग भी हम सैंडविच कई बना सकते हैं। तो मैंने सोचा यार आज मेम साहब को अलग अलग ढंग के कुछ सैंडविच खिलाए जाएं और रेसिपी तैयार की जाए, ताकि मेरे दोस्तों को भी ये नॉलेज होनी चाहिए। साथियों, मैं एक बात बता दूं, एक जमाना था जब लेडीज घर पे रहा करती थी, और उस जमाने में लेडीज चूंकि घर पे रहा करती थी तो वो किचन के कार्यों में निपुण होती थी, और कमा के लाने की जिम्मेदारी मर्द की हुआ करती थी, और घर में घर संभालने की जिम्मेदारी लेडीज की हुआ करती थी। अब धीरे धीरे जमाना बदला, आवश्यकता पड़ने लगी, एक की कमाई में काम नहीं चलता, अब लेडीज को भी आगे आना पड़ गया। हर मैदान में अब लेडीज आगे आ चुकी है। अब ऐसी परिस्थिति में जब लेडीज बाहर आ चुकी हैं, प्रोफेशनल हो चुकी हैं, वर्किंग हो चुकी हैं, बाहर भी काम करती हैं, घर भी काम करती हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर उनसे ये अपेक्षा की जाए कि अभी भी लेडीज ही बनाएंगी खाना, तो यार ये नाइंसाफी है, ये बिल्कुल जस्टिस नहीं है, हमें भी आगे आना होगा। अब अक्सर मैंने बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करते देखा है, यार हमसे तो कुछ आता ही नहीं है, पेट से कौन सीख के आता, पेट से तो कोई सीख के नहीं आता। अब अगर हम बहुत सी चीजें सीख सकते हैं बाहर जाकर, कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो सकते हैं, मैकेनिक बन सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, तो यार ये इतना बड़ा काम है जो हम सीख नहीं सकते। यार सीख सकते हैं, जरूरत है केवल इंटरेस्ट की, हमें रुचि लेने की जरूरत है। और कई लोग तो पता क्यों नहीं सीखते, यार हमसे कुछ आ गया तो हमें करना पड़ेगा। कितनी गलत धारणा है। अरे यार, आप करोगे तो आपकी मनचाही चीज आपको मिलेगी खाने को। आप जिस तरह से तैयार करेंगे ना, और तैयार करने के बाद जो उसमें आनंद आएगा उसकी अनुभूति बिना बनाए आप नहीं कर सकते। आप बना के देखिए, बना के जब खाएंगे तब आप कहेंगे वाह। तो आइए वाह वाह करते हैं और शुरू करते हैं सैंडविच बनाना। आज दो दो सैंडविच बनाएंगे। एक हम दही से तैयार करेंगे, दही और पनीर से तैयार करेंगे एक रेसिपी, और एक रेसिपी वही जो ट्रेडिशनल है आलू से। तो आइए देखिए, इस तरह से आपको पूरी रात दही जो है एक सफेद कपड़े में बांध के रखनी होगी, इसका पानी आपको पूरा का पूरा पानी इसको निकालना होगा, है ना। आपको थोड़े से काजू, थोड़ी सी मूंगफली का ये मैंने पेस्ट बना रखा है पहले से ही, थोड़ा पनीर चाहिए और हमें चाहिए मक्खन। इस रेसिपी में बस यही चाहिए और थोड़े से स्पाइसी चाहिए। और पोटैटो की रेसिपी में देखिए, इस तरह का आपको डो तैयार करना होगा, बिल्कुल आटे की तरह का, आलू का बिल्कुल आटे की तरह का। बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक खाते हैं तो डालिए, नहीं खाते हैं मत डालिए। सॉस चाहिए, हरी चटनी चाहिए, पनीर के स्लाइस चाहिए, लाल मिर्च, नमक, धनिया, अमचूर पाउडर, जीरा और जीरा पाउडर और चाट मसाला और पीली सरसों का तेल, और ब्रेड के बगैर काम चलेगा, और चाहिए चीज, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालिए, नहीं डालना चाहते मत डालिए। तो दोस्तों आइए तैयार करते हैं, सीखते हैं। देखिए कर कर के सीखते हैं सभी लोग। दुनिया में जितने भी आइटम आज तक तैयार हुए हैं किसी ने कभी तो शुरुआत की होगी। अब उनमें क्या परफेक्शन एक दिन में आ गया? नहीं, एक दिन में परफेक्शन नहीं आ सकता, लेकिन कर 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 परफेक्शन आ सकता है। तो आइए दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात, हालांकि व्यवहारिक नहीं है मैं मानता हूं, सब जगह संभव नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे तो हमारी सुरक्षा है। हमारे घर में बहुत से लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि सबके सब स्वस्थ हो,
हो सकता है किसी को कोई बीमारी हो, किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जिसका हमें आज पता ही ना हो। अगर सेफ्टी के लिए हम दो कार्य कर लें, एक तो सर पर हम ये कैप लगा लें जिससे कि बाल वगैरह ना गिरे, और दूसरा क्या करें, दूसरा हम मास्क लगा लें। मास्क क्यों लगा लें? हमारे मुख से जब हम बोलते हैं तो तेजी से हवा निकलती है, और हवा निकलते समय जो हमारे अंदर सांस में जो बैक्टीरिया होते हैं वो सीधे कहां जाते हैं? वो सीधे खाने में जाते हैं। ये चीज आप सोचिए, ऐसा होता है या नहीं होता है? और कई बार बहुत से के मुख से बोलते समय, मैं आगे नाम नहीं लूंगा, बहुत कुछ निकलता है। कल मेरे एक दोस्त ने मुझे ये बात बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। थोड़ा सा हमने तेल लिया है पीली सरसों का, जीरा डालेंगे, हरी मिर्च, प्याज, उसके बाद हम शिमला मिर्च और गाजर। इसे आप खुले में भुने, अगर आपने इसे ढका तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा पानी छोड़ देगा, आपके सैंडविच खराब हो जाएंगे। लाल मिर्च, धनिया, हल्दी आप डालना चाहें डालिए, और नहीं डालना चाहते मत डालिए। अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, आलू, अब इसको मिलाइए अच्छे से। अच्छे से मिला लीजिए। अब दही वाली रेसिपी हम तैयार करेंगे। ये हमने दही को निचोड़ लिया है, ये दही को हम जार में डालेंगे, पनीर डालेंगे, और जो ग्राउंड नट है मूंगफली उसका पेस्ट डालेंगे। इसमें हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, जीरा पाउडर, नमक, सॉल्ट पाउडर और मक्खन। अब थोड़ा सा आलू का पेस्ट लेंगे और इसमें ये चीज हम मिलाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब रेडी करते हैं। स्लाइस लीजिए। सबसे पहले मक्खन लगेगा, दोनों स्लाइस पर मक्खन लगेगा। इसमें रखेंगे चीज, दूसरी साइड पनीर, थोड़ा सा चाट मसाला, एक तरफ ग्रीन चटनी, एक तरफ सॉस। अब हम ये एक ब्रेड का हमने रिंग काटा है ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना आए। इसको बंद करेंगे। जो ब्रेड के बीच में से हमने स्लाइस निकाले थे उनको हमने रोस्ट किया है हल्का सा। अब दोस्तों दही वाली बनाते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, मक्खन वही रिंग। इसमें हम सॉस या फिर हरी चटनी नहीं लगाएंगे। पनीर, एक तरफ स्लाइस जो है चीज की। अब करेंगे फिलिंग। तो दोस्तों एक पोटैटो का और एक हुआ दही का। अब इसको हम इसकी सिकाई करेंगे, ऑलिव ऑयल में इसको हम करेंगे। अब ये सिकेगा, सिकने दीजिए एक साइड से। अब इसको दूसरी साइड से भी सिकेंगे, पलट देते हैं। दोस्तों रेडी है हमारे सैंडविच। पहले तो उनकी आवाज देखिए कितने क्रिस्पी हैं। अब इनको काट लेते हैं। टाइम टू सर्व, ये दही वाली, ये आपकी पोटैटो वाली। दोस्तों अभी जो सैंडविच बनाई थी वो हमने फ्राई पैन और तवे पर बनाई, अब हम बनाएंगे सैंडविच मेकर में।
प्रोसेस वही रहेगा हमारा, हमने फिलिंग कर ली उसी तरह की। ऑलिव ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा, अब इसे 5 मिनट सिकने देते हैं। दोस्तों अगर बीवी को रखना हैप्पी तो सैंडविच बनाकर उसकी पीठ पे मारो एक झपकी। एंजॉय।